हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप आधार कार्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो आप उसमें डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप इससे डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करेंगे, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले UDI की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप देखने को मिलेगा, डिड यू गेट योर आधार इशू 10 ईयर बैक। तो आपको इसको कट करके यहाँ पे आपको माई आधार वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे इसको हम कट कर लेते हैं। तो आप इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे कट करेंगे। इसके बाद माई आधार वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सेक्शन में जाने के बाद डॉक्यूमेंट अपडेट एंड डेमोग्राफी डाटा चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आधार नंबर कैप्चा डाल के सेंड OTP डालेंगे। यहाँ पे OTP डाल के आपको अपना लॉगिन कर लेना है। जो भी आपका आधार नंबर है उस पर OTP आएगा मोबाइल नंबर पे। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का एक आप पॉपअप नीचे मिलेगा। यहाँ पे 14 जून 2023 तक आपको यहाँ पे फ्री में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है 14 जून 2023 तक। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्लीज़ वेरीफाई और डेमोग्राफी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स में आपको जो है POI और POA आपको दोनों अपडेट करना हो। यहाँ पे हम चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, जो आपकी साइज़ है 2 MB से ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको JPG, PNG और PDF में आपको होना चाहिए। आपको जो POAI है आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड है। यहाँ पे पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है मौजूदा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आपका फाइल से यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, जो भी PDF में JPG में होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके पास जो भी आपका एड्रेस मौजूद है, आपके पास पासबुक हो गया या तो पासपोर्ट हो गया या तो STO भी जो निवास हो गया, सर्टिफिकेट या तो जाति निवास हो गया, वो उसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है समय में उसको आप स्कैन करके या तो फ़ोटो खींच के PDF या JPG में यहाँ पे आप उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट पे एग्री कर लेना है। कंसेंट एग्री करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है। आपको जो है फ्री ऑफ कास्ट है डियर, तो यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है पेमेंट आपको 0 रुपये जो है सक्सेस हो जाएगा, और आपका जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट कुछ दिनों में आप लोग का अपलोड हो जाएगा। रिक्वेस्ट जो है आपका विंटेज स्टेटस, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो है स्टेटस यहाँ पर आपको क्या होता है। यहाँ पर आपका SRR नंबर जनरेट हो जाता है। इसे आप अपना आधार की वेबसाइट पर जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाके। इस तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर या तो खुद का किसी का भी आप आधार डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपडेट कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई परेशानी या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।